हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास में ये छोटा सा ब्लूटूथ डिवाइस है और लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था वो इसी के ऊपर बनाया था। इसकी प्राइस वगैरह जो थे वो आपको बताए थे, अनबॉक्सिंग की थी। और ये मैं आपको बता दूँ कि इस ब्लूटूथ डिवाइस को आप किसी भी अपने जो म्यूज़िक सिस्टम है उसमें आप लगा सकते हैं, चाहे आपके पास छोटे से छोटा कोई USB या म्यूज़िक बॉक्स हो। अगर म्यूजिक सिस्टम की ब्लूटूथ ख़राब हो जाती है तो उसकी जगह पर आप इसका यूज़ करके म्यूज़िक जो है वो सुन सकते हैं अपने मोबाइल वगैरह से कनेक्ट करके। तो दोस्तों आज का मेन टॉपिक ये है कि हम इस ब्लूटूथ डिवाइस को अगर अपने किसी भी सिस्टम में लगाएं तो कैसे लगाएंगे। तो आज मैं आपको इसको लगाने का सही तरीका बताने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि इस पर मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था और आपके कमेंट भी आए हैं कि सर आप इसको ओल्ड होम थिएटर में लगाकर दिखाएं। तो जो ओल्ड होम थिएटर होते हैं, जैसे कि इंटेक्स वगैरह का आता था 2.1 या फिर 3.1, तो उसमें क्या होता था कि उसमें ब्लूटूथ भी नहीं होता था और USB कार्ड भी नहीं होता था। तो इसी टाइप के एक ओल्ड होम थिएटर में मैंने ब्लूटूथ डिवाइस को लगाकर दिखाया है और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आपके पास कोई होम थिएटर है तो आप सेम इस तरह से जो है अपने होम थिएटर में इस ब्लूटूथ डिवाइस को लगा सकते हैं। आज मैं आपको इस ब्लूटूथ डिवाइस को एक एम्पलीफायर में लगा के दिखाने वाला हूं, जिससे कि आपको एम्पलीफायर में कनेक्ट करने में कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों अगर आप इस ब्लूटूथ डिवाइस को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से आप इस ब्लूटूथ डिवाइस को खरीद सकते हैं Amazon पर। और दोस्तों वीडियो को आप पूरा वॉच करें, पूरा देखें, जिससे कि आपको कनेक्शन करने में कोई भी दिक्कत ना आए, आपको आसानी से कनेक्शन समझ में आ जाए। कनेक्शन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको इसके कनेक्शन किस तरह से करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है GND, तो यह है ग्राउंड यानी नेगेटिव वोल्ट, और यहाँ पर देना है 5 वोल्ट, ठीक है, जो कि प्लस 5 वोल्ट होंगे इस वाले प्रिंट पर, ठीक है। जहाँ पर लिखा है VCC, और आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.0 BT है ये। यहाँ पर जो ये गोल वाले तीन प्रिंट हैं, यहाँ पर आपको बीच वाले पर ग्राउंड देना है, यहाँ पर L आउट पर आपको लेफ्ट ऑडियो मिलेगी, R आउट पर आपको राइट ऑडियो मिलेगी। तो इस तरीके से लेफ्ट और राइट डबल चैनल इस पर वर्क करता है। आप इससे दो चैनल आराम से, दो चैनल के आउटपुट ले सकते हैं। ऑडियो के लिए तीन वायर है, मैंने बता ही दिया। तो चलिए मैं आपको कनेक्शन करके उसके बाद इसको लगाने का सही तरीका भी बता देता हूँ। दोस्तों ये एक मैंने छोटा सा वायर का टुकड़ा ले लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं टोटल 5 कलर के वायर हैं और यही हम इसकी वायरिंग में लगाने वाले हैं। देखिए दोस्तों जो इसके कलर है, मैं कलर के हिसाब से लगाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले है ग्राउंड, तो हम यहाँ पर लगा देंगे ब्लैक कलर वाली वायर, ठीक है। ब्लैक कलर की वायर से आप पहचान सकते हैं कि यही ग्राउंड हो सकता है, ये कलर को दर्शाता है। तो यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट के लिए लगा दिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लगा देंगे रेड कलर की वायर राइट साइड की ऑडियो आउटपुट के लिए। ऑरेंज कलर की वायर है, उसको लगाएंगे हम फिर से ग्राउंड के लिए, जो कि हमारा ऑडियो वाला ग्राउंड होगा, ठीक है। तो ये इसलिए लगा रहे हैं ताकि इसमें हमिंग ना आए। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे अपने एम्पलीफायर में तो आपके एम्पलीफायर में हमिंग आएगी और साउंड जो है वो कम आएगी। तो जो येलो कलर की वायर है उसको लगाते हैं हम लेफ्ट साइड के ऑडियो आउटपुट के लिए। दोस्तों इसके कनेक्शन को कर लिया, चलिए अब हम इसको एम्पलीफायर में किस तरह से कनेक्ट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ये एक छोटा सा बोर्ड है 6283 का, और इसकी वायरिंग कैसे करते हैं इस पर मैंने वीडियो बना रखा है। आपको हमारे चैनल पर इस बोर्ड की वायरिंग का वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसके ऑडियो का वॉल्यूम है जो कि आप देख सकते हैं, और ये इसकी आउटपुट की स्पीकर का सॉकेट है, और ये इसकी पावर सप्लाई वाली लीड है। इस लीड से हम इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो इसी बोर्ड से आज हम ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस बोर्ड में कोई हीट सिंक नहीं है, इसलिए पहले मैं इस पर एक हीट सिंक लगा लेता हूँ, जिससे कि ये ख़राब ना हो। देखिए दोस्तों हीट सिंक को लगा लिया है, और ये जो होल है इससे आप अपने बोर्ड को एम्पलीफायर में टाइट कर सकते हैं, जिससे कि ये हिलेगा नहीं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो मैं आपको लगाकर दिखाने वाला हूँ ब्लूटूथ, तो इस ब्लूटूथ में देखिए यहाँ पर जो हैं वो आप देख सकते हैं कि ऑडियो के लिए यहाँ पर दो वायर हैं, राइट
लेफ्ट और ये है बीच की ग्राउंड की, ठीक है। तो मैं जो हूँ या तो राइट वाली लगाऊंगा या लेफ्ट वाली, दोनों वायर का मैं यूज़ इसलिए नहीं करने वाला हूँ इस एम्पलीफायर में, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों चैनल की सप्लाई एक ही वॉल्यूम से है। अगर मेरे पास ये डबल वॉल्यूम होता तो फिर हम एक वॉल्यूम पर एक चैनल लगाते, दूसरे वॉल्यूम पर दूसरा चैनल मतलब लगाते, तो इससे क्या होता कि हम एक एक वॉल्यूम से दोनों स्पीकर को कंट्रोल कर लेते। या फिर आपके पास वॉल्यूम डबल टोन वाला होता तब भी आप इसकी दोनों साइड का यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैंने ये सिंगल वाले वॉल्यूम का जो है वायर लगा रखी है, मतलब सिंगल वॉल्यूम ऑडियो के लिए लगा रखा है, आउटपुट के लिए। तो दोनों जो चैनल हैं वो एक ही वॉल्यूम से ऑपरेट होंगे, इसलिए मैं एक ही चैनल का यूज़ करूँगा। लेकिन एक चैनल का यूज़ करने के बाद में भी जो ये दोनों लेफ्ट राइट के चैनल यहाँ पर हैं, जिससे कि स्पीकर के आउटपुट में दोनों चैनल में आवाज़ आएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ से तो मैं आउटपुट एक ही की दूंगा, लेफ्ट की मान लीजिए मैं देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट में भी आएगी, राइट में भी आएगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों चैनल हैं, जो बोर्ड है उसके दोनों चैनल जो वॉल्यूम पे हैं वो लगे हुए हैं। ये जो येलो वाली वायर है पीले कलर की, वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। और आप अपने एम्पलीफायर में अगर ब्लूटूथ डिवाइस को लगाएं तो आप वॉल्यूम की इस वाली पिन पर ही वायर को लगा दें, ठीक है। अब ये हमारी बची बीच वाली, तो इस वायर को आपको यहाँ पर ब्लैक वाली वायर पर लगाना है, क्योंकि ये भी ग्राउंड की वायर है, ठीक है। तो ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्ट हो जाएगा, तो इसमें जो है वो हमिंग नहीं आएगी, आपने देख लिया, ठीक है। अब हमारे पास बचती है ये वाली राइट साइड वाली वायर, तो इस वायर के लिए दोस्तों हम इसको यहाँ पर कट कर देते हैं, जिससे कि ये टच ना हो और शॉर्टेज ना हो कार्ड में किसी भी तरह से। अब हमारे पास बचते हैं ये दो वायर, ठीक है, पावर के, ये 5 वोल्ट का, ये ग्राउंड का यानी कि नेगेटिव वोल्ट का। तो इसको अब हम सप्लाई देंगे 5 वोल्ट से। हमारा जो ये बोर्ड है ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है, तो अगर हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे इस वाली वायर के साथ में, तो क्या होगा कि ये ब्लूटूथ डिवाइस जो है ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि 5 वोल्ट के लिए है, 12 वोल्ट के 12 वोल्ट के लिए ये नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको अलग से सप्लाई देंगे, इसको अलग से सप्लाई देंगे। इसको चलाने के लिए मैं इस तरीके का पावर ट्रांसफार्मर का यूज़ करूँगा, इसको हम AC वोल्ट में लगाएंगे और ये जो प्लग है ये हमारा AC वोल्ट में लगेगा, ठीक है। और ये जो वायर है ये 12 वोल्ट की है, जो अपना 12 वोल्ट है उसकी वायर है ये, और ये जो वायर है ये 5 वोल्ट की है। 5 वोल्ट मैंने करे हैं इस 7805 नंबर के MOSFET को IC को लगाकर, यहाँ पर जो ये लगा है, ठीक है। और एक LED भी लगा रखी है पावर के लिए, जिससे पता चल जाएगा इसमें पावर आ गई है। तो सबसे पहले तो मैं ये जो 5 वोल्ट है इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। दोनों वायर मैंने कनेक्ट कर दी हैं, ये वायर जो हमारे ब्लूटूथ कार्ड को सप्लाई देंगी, ठीक है। काफ़ी दोस्तों इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, और अगर कुछ छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो देखिए ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव वोल्ट से, ठीक है, नेगेटिव 12 वोल्ट से और ये पॉजिटिव से, ठीक है। तो अब ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आ चुकी है, 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ हमने कनेक्ट कर दी है। चलिए हम इसको देखते हैं, तो देखिए यहाँ 5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम इन क्लिप की बात करें तो यहाँ पर हम अगर वोल्टेज चेक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमें मिलेंगे, देखिए 15 वोल्ट हैं, क्योंकि अभी इसमें जो लोड ज़्यादा नहीं है और जो ट्रांसफार्मर है ये 3 एम्पियर का है, इस वजह से दिख रहा है, लेकिन वोल्ट सेम है, लगभग सही है, कोई दिक्कत नहीं, वोल्ट ज़्यादा नहीं है। मैं ये वाला स्पीकर यूज़ करूँगा, एक छोटा वाला आप देख सकते हैं, और इसको मैं स्पीकर सॉकेट में लगा लेता हूँ, ठीक है, मैंने लगा दिया है, हमिंग आ गई है। एक मैं इसमें ये वाला वूफर लगाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं, तो हमने वूफर और स्पीकर दोनों को लगा दिया है। अब मैं इसका वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो इसमें हमिंग यहाँ पर आ रही है, ठीक है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम इसमें ब्लूटूथ को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसी साउंड इसमें ब्लूटूथ से आती है। तो ब्लूटूथ को मैंने ऑन कर लिया है और यहाँ पर बहुत सारे ब्लूटूथ आ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा ये वाला ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो चुका है, कनेक्टेड लिखकर आ गया है। तो मैं इसमें एक सॉन्ग जो है मैं प्ले कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और आप देख सकते हैं साउंड इसमें बहुत ही बढ़िया आ रही है। मैं थोड़ा सा तेज करता हूँ,
देखिए कितनी भारी शोल्डर की डिब्बी जो है वो बुफर पर नहीं रुक रही है। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क इसने करा है। आप इसी तरह से अपने एम्पलीफायर में लगा सकते हैं। ब्लूटूथ की जो ऑडियो की वायर है उसको आपको लगाना है वॉल्यूम की इस वाली पिन पर। ये आप ध्यान रखें, इस पिन पर लगाना। ये वॉल्यूम की पिन जो है ये ऑडियो वाली है, ठीक है। यहाँ पर आप लगाएंगे तो आपका जो एम्पलीफायर है उसमें साउंड आ जाएगी। चाहे आपके पास कोई भी ओल्ड मॉडल का एम्पलीफायर हो या जिसमें ब्लूटूथ कार्ड हो वो वाला हो सकता है ब्लूटूथ कार्ड खराब हो गया, तो इसको आप लगा लें। ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।